चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं रिम्स के कैंटीन टेंडर घोटाला मामले की। तो न्यूज 11 भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। डॉक्टर संजय ने टेंडर से जुड़ी फाइलें मंगवाई हैं। नियम को ताक पर रखकर यह टेंडर दिया गया है। न्यूज 11 भारत ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई और देखिए उसके बाद इस खबर का असर भी हुआ है। डॉक्टर संजय जिनका नाम सामने आया है रिम्स निदेशक और उपाधीक्षक के साथ इस मिलीभगत में, अब उन्होंने इस टेंडर से जुड़ी तमाम फाइलें मंगवाई हैं। ये पूरा मामला आपको बताते हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि करोड़ों का चढ़ावा लेकर कंपनी को टेंडर दे दिया गया। जामा एंटरप्राइजेस, घोष एंड राय कंपनी और जामा एंटरप्राइजेस, ये दो कंपनियां, और जिसके बाद अब यह खबर जब दिखाई गई है नियम को ताक पर रखकर यह टेंडर दिया गया आरोप है। हमारे साथ खुद डॉक्टर संजय जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 में। देखिए यह खबर हम चला रहे हैं, यह इसमें कितनी सच्चाई है और क्या हकीकत है, और आप सर मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूँ बिल्कुल। ये सामने आ रहा है कि जो निदेशक हैं, उपाधीक्षक हैं और आप, इन तीनों की मिलीभगत से ये टेंडर फाइनल किया गया बिना किसी प्रोसेस के, क्या इसमें कितनी सच्चाई है सर, क्या कहेंगे आप? इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। आपको, आप लाइन पे सुनिए, मैं आपको सुना देता हूँ। जी बिल्कुल। ये टेंडर रिम्स में भर्ती मरीजों को बेड टू बेड खाना देने के लिए, भोजन देने के लिए जो टेंडर हुआ था, ये टेंडर नंबर है 3382। ये पब्लिश हुआ था 16 सितंबर 2020 को। ठीक है, ठीक है। 16 सितंबर 2020 को पब्लिश होने के बाद ऑनलाइन टेंडर है, ई टेंडर है, जो पूरा दुनिया में चल सकता है। जो झारखंड ई टेंडर में पब्लिश होता है वहां से हुआ था। 16 सितंबर 2020 के बाद 16 अक्टूबर 2020 को फाइनल टेंडर पेपर अपलोड किया गया जी। क्योंकि उसके बीच में सैंपल टेंडर पेपर होने के बाद बीच में रिपीट होता है, जिसमें सारे बिडर, जितने भी बिडर होते हैं, उसका मंतव्य लिया जाता है, उनका कोई आपत्ति होती है तो उसको सुना जाता है, और सुनने के बाद सारी आपत्ति को निराकरण करने के बाद, टेंडर पेपर में सुधार करने के बाद, संशोधन करने के बाद फाइनल पेपर अपलोड किया जाता है, जो 16 अक्टूबर 2020 को किया गया था जी। उसमें ऑनलाइन टेंडर में प्रावधान है कि कम से कम 21 दिन का समय देना रहता है बिडर को पार्टिसिपेट करने के लिए, वो समय दिया गया। और उसके बाद 11 नवंबर 2020 को टेंडर खोला गया, ऑनलाइन खोला गया। ठीक जी, जी। उसमें से करीब 13 बिडर ने पार्टिसिपेट ऑनलाइन किए थे, लेकिन 9 बिडर का हार्ड कॉपी और ईएमडी होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, वो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट 5 लाख का होता है, वो जमा करना रहता है सभी बिडर को टर्म कंडीशन के अनुसार से जी। लेकिन तो उसमें एक बार सुन लीजिए, हाँ, बात जी, सुन लीजिए जी, आप कंटिन्यू करें सर। हाँ, वो सब देना, 13 बिडर में से केवल 9 बिडर ने ईएमडी का 5 लाख रुपया का ईएमडी जो फीस होता है वो, और ऑनलाइन बिड में जो सबमिट किया है उसका प्रिंट आउट ऑफिस में समय पर, जितना निर्धारित समय था उस समय तक जमा किया गया। ठीक। उसके बाद टेक्निकल उसका तकनीकी भाग टेंडर का ऑनलाइन खोला गया और उसका इवैल्यूएशन किया गया। इवैल्यूएशन करने के दौरान कई स्टेज में इवैल्यूएशन हुआ, और इवैल्यूएशन होने के बाद इसमें एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन कमिटी होता है, जिसमें रिम्स के कई लोग मेंबर होते हैं, प्लस एक मेंबर बाहर से भी होते हैं, एक्सटर्नल मेंबर होते हैं, जिसको एक्सटर्नल एक्सपर्ट कहा जाता है। तो इस वाले केस में का एक वहां सीनियर प्रोफेसर है जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे है, उनको एक्सटर्नल एक्सपर्ट मेंबर बनाया गया। टेक्निकल कमिटी के द्वारा जो रिपोर्ट बनाया गया उसे ऑनलाइन के रूप में ईमेल से उस एक्सपर्ट मेंबर के पास भेजा गया। एम्स में इस पर फिर कमिटी वहां बनी, वहां पे जांच हुई जी। तो सारे यहाँ से जो जांच किया गया था, जो इवैल्यूएशन किया गया था, उसको एम्स के कमिटी ने जांच किया। अब जांच करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट दिया,
जो रिपोर्ट दिया है वो उसमें उनके द्वारा मंतव्य दिया गया है कि वी द टीम ऑफ एम्स फुली एग्री, मतलब हम लोग हिंदी में बोल देते चूंकि आपका हिंदी चैनल है, तो वहां के टीम ने कहा कि हम लोग जो टेंडर का इवैल्यूएशन किया गया है हम उससे बिल्कुल सहमत हैं और हम प्रशंसा करते हैं कि बहुत अच्छा इवैल्यूएशन किया गया। ये रिपोर्ट हमारे पास आने के बाद दोबारा फिर यहाँ पे मीटिंग की गई, परचेज कमेटी की मीटिंग। इस परचेज कमेटी की मीटिंग में सरकार के चार विभाग के सदस्य होते हैं, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव के प्रतिनिधि, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के प्रतिनिधि, कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव के प्रतिनिधि और वित्त विभाग के प्रधान सचिव के प्रतिनिधि, उसके अलावे रिम्स के तीन मेंबर और भी हैं, प्लस जितने सात लोगों का एक कमेटी होता है जिसको परचेज कमेटी कहते हैं, उसके साथ में जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इवैल्यूएशन कमेटी है उनका संयुक्त बैठक हुआ। संयुक्त बैठक होने के बाद यह सब सभी बिंदुओं पे देखा गया, सारा असेसमेंट को देखा गया कि क्या किया गया है नहीं किया गया है, और इसके अलावा एक और भी मेंबर है जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है। तो इस परचेज कमेटी के मीटिंग में केवल रिम्स के ही लोग हैं ऐसी बात नहीं है, सरकार के चार बड़े बड़े विभाग के लोग हैं प्लस डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है पांचवा, प्लस एम्स का ही कमेटी का मेंबर है छठा, और यहाँ का तीन लोग। तो मेजोरिटी जो लोग हैं वो बाहर के हैं, काम जो होमवर्क करता है वो हम लोग करते हैं, लेकिन ओपिनियन मंतव्य सबसे लिया जाता है इंडिपेंडेंट ओपिनियन के रूप में। एम्स यहाँ पे झारखंड से नहीं बल्कि एम्स से लिया जाता है। तो सारे मंतव्य लेने के बाद परचेज कमेटी में सारा रिपोर्ट अपलोड किया गया। लास्ट मीटिंग हुई थी 1 जुलाई को मीटिंग की गई थी परचेज का, और उसमें जो परचेज कमेटी और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इवैल्यूएशन कमेटी के संयुक्त बैठक हुई और उसका जो निर्णय हुआ उसे ऑनलाइन पे अपलोड किया गया कि किसी भी बिडर को, जितने भी 9 बिडर हैं उसमें से जिसका क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाई नहीं किया, अगर उनकी कोई आपत्ति है उनका कोई शिकायत है तो अपना रिम्स के ईमेल पर वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते थे, परंतु उनके द्वारा किसी के द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई। सर एक सेकंड, आपने यहाँ पे आपके इसी जवाब से मेरा एक सवाल जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि किसी भी बिडर को कोई शिकायत होगी तो वो मेल भेज सकते थे, लेकिन दो बिडर, दो जो ओम इंटरप्राइजेस और लाइफलाइन सर्विसेज हैं, वो तो हाईकोर्ट पहुंच चुके थे, ये मामला पेंडिंग था कोर्ट में। बात सुन लीजिए जी, ये ओम इंटरप्राइजेज इस पूरा टेंडरिंग प्रोसेस में कहीं है ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात, वो कभी पार्टिसिपेट ना प्रीबिड में आया, ना कभी पार्टिसिपेट किया, ना टेंडर भरा है, इसलिए वो कहीं पिक्चर में है ही नहीं। उसका कोई दूसरा एजेंसी है जो उसके कंधे पे चढ़ के वो काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट में भी शायद इसी तरह से इसी मंशा से केस किया गया है ओम इंटरप्राइजेज के नाम से। दूसरा, जहां तक लाइफलाइन की बात है, लाइफलाइन पार्टिसिपेट किया था लेकिन वो टाइम से उसका बिड नहीं जमा हो पाया और ईएमडी नहीं आ पाया, इसलिए उनको बाहर किया गया। और दूसरा, अब ये सफिशियंट प्रूफ है कि लाइफलाइन ही ओम इंटरप्राइजेज के द्वारा कोर्ट में केस करवाया है। अच्छा, तो ऐसा है कि ये प्रूफ आ चुका है कि उस खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं लाइफलाइन के जो एजेंसी के लोग हैं कि हम लोगों के द्वारा या हम लोगों के बिहाफ में इस तरह का मामला कोर्ट में किया गया है ओम इंटरप्राइजेज के द्वारा। ठीक है, तो ये प्रॉक्सी तरीके से काम करके टेंडर प्रोसेस को बंद करने या उसको लिंकिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। सर ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि प्रॉक्सी तरीके से इस तरह से बातें चीजें सामने लाई गई हैं, लेकिन ठीक है, अगर आप ट्रांसपेरेंट रहे, आपका सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहा, इतनी ट्रांसपेरेंसी है, तो क्या जिस टेंडर को आपने कंपाइल किया वो टेंडर नंबर हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है? बिल्कुल देख सकते हैं। आप बता सकते हैं टेंडर नंबर? 33-82, डेट 16 सितंबर 2020। जी, तो जो ये कोर्ट में पेंडिंग मामला है, इससे इसका कोई लेना देना है नहीं, ये प्रॉक्सी है? नहीं, कोर्ट का अपना जो भी निर्णय होगा, कोर्ट में आदेश हुआ है कि तो फाइनलाइजेशन जो भी है, जो आदेश है कोर्ट का, उसका हम लोग कंप्लाई कर रहे हैं, करेंगे। जैसा निर्देश होगा कोर्ट का वैसा हम लोग उसके अनुसार से काम करेंगे। लेकिन सर ये भी तो कहा जा रहा है, एक तरफ से सुन लीजिए, कोर्ट से ही कई बार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ही कई बार ऐसी बात कही जाती है, टिप्पणी की जाती है, और ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड
कि रिम्स में कोई टेंडर नहीं हो रहा है, कोई टेंडर नहीं हो रहा, जानबूझ के लोग टेंडर नहीं कर रहे हैं। और अभी जब टेंडर करने जा रहे हैं तब ये इस बार आरोप हो रहा है कि टेंडर क्यों कर रहे हैं, तो बड़ा विचित्र नहीं, 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 सर, अगर अगर आप हमारे सवालों अगर आप हम पर सवाल उठा रहे हैं तो हमारा सवाल ये है कि हमारे पास खबरें ये है कि रातों रात टेंडर दे दिया गया प्रोसेस के बिना, और ये सवाल इसलिए है सर मेरा सवाल सुन लीजिए। दिक्कत यहाँ पर आई कि अगर टेंडर कंपाइल होता है तो 15 दिनों का जो वक्त दिया जाता है, ये 15 दिन का वक्त नहीं दिया गया, रातों रात टेंडर फाइनल कैसे हो गया? ऐसा नहीं है, 15 दिन का वक्त नहीं दिया गया, सफिशियंट टाइम दिया गया है। सफिशियंट टाइम दिया गया है? हाँ बिल्कुल सफिशियंट टाइम दिया गया है, सितंबर 2020 का टेंडर है। तो आरोप तो ये भी है ना सर, तो उस पर आरोप लगाया जाता है, टेंडर होता है तो उस पर आरोप लगाया जाता है, कोई दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाकर चलाने की कोशिश करते हैं, ये गलत मंशा से इस चीज को ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, और सर हमारे पास इस चीज के सबूत है कि टेंडर जो ये कंपाइल किया गया उसमें पैसे लिए गए, बाकायदा करोड़ों रुपए लेकर रातों रात ये टेंडर हैंडओवर किया गया, ये काम हैंडओवर किया गया। आप ऐसा है कि जो आपको कह रहे हैं तो उनसे प्रमाण मांगिए जी, और उस पर उसके लिए भी अलग से कार्रवाई होने का प्रावधान है कानून में। हाँ। जिसने लिया होगा उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सर, अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास हम खुद करते हैं, जिसने लिया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए जी, पहले जानना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर संजय, ये बहुत सही है कि अगर आप अपनी जगह सही हैं तो वो उसकी अगर, अगर हम लोगों के नाम पे या रिम्स के नाम पे कोई दूसरा अगर बीच में कोई ठग लेता है किसी से या कोई ठगा जाता है, तो आप लोगों का मीडिया आप लोगों की जिम्मेवारी है, आप उसको सर्च कीजिए और सामने लाइए कि कौन आदमी ने किसको पैसा दिया और किसने लिया। चलिए, तो ये अब ये जांच का विषय है कि आखिर ये मामला अगर सामने आया है तो किसने पैसे दिए हैं और कौन पैसा लिया, इसकी तो जांच होगी। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय आपका और तमाम बातचीत के लिए। तो ये डॉक्टर संजय जिनका नाम उस लिस्ट में कि मिले भगत से ये टेंडर का खेल हुआ पूरा, और ये खेल ऐसा हुआ कि रातों रात कंपनी को टेंडर दे दिया गया, काम हैंडओवर कर दिया गया।